Hello guys, welcome back to another vlog. गाइस मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी जो कि मेरी बहन बना रही है। तो चलिए देखते हैं मेरी बहन ने बेसन के लड्डू बनाने के लिए क्या कुछ यूज़ किया है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है बेसन और साथ में उतनी ही क्वांटिटी में शुगर भी ली है, लेकिन हमने शुगर को इसमें पहले से ऐड नहीं करना है। शुगर यहाँ पर जो है लास्ट स्टेज में जाएगी। तो सबसे पहले हम बेसन को लो फ्लेम पे ब्राउन कर लेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर ही ब्राउन करना है और जब आप देखेंगे कि लास्ट में आपका बेसन जो है वो ब्राउन हो गया है तो वो अपने आप ही अपने जिसमें भी आप उसे ब्राउन कर रहे हैं उसको छोड़ने लगेगा और यही उसकी निशानी है कि वो प्रॉपर रेडी है। बेसन रेडी होने के बाद इसे हम निकाल कर कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद जो है हम इसमें शुगर को ऐड करेंगे। अगर हम गरम गरम बेसन में शुगर ऐड कर देंगे तो बेसन जो है वो फैल जाएगा और लड्डू जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, इसलिए हमें बेसन के ठंडा होने तक इसका इंतज़ार करना होगा। हमारा बेसन यहाँ बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब वो इसमें शुगर को ऐड कर रही है और शुगर को ऐड करने के बाद वो गोल गोल लड्डू बनाकर रखेगी। और सबसे पहला लड्डू जो है उसने घर के छोटे लड्डू के लिए बनाया था। एस यू कैन सी ये कितना छोटा लड्डू है और जिसके लिए बनाया है वो भी इतना ही छोटा है। और इसके बाद उसने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर दिए। हमने यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारे घर में किसी को भी नहीं पसंद है ड्राई फ्रूट खाना। तो अब हम जो है इसे ऐसे ही सर्व करेंगे, लेकिन आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आप लाइक करते हैं। और आप इसे बनाने के 10-15 मिनट के बाद ही खा सकते हैं। वैसे तो आप जब भी खा सकते हैं जब आप बना रहे हों, लेकिन 15-20 मिनट के बाद ये सेट हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बहुत जल्दी बन गए थे और बहुत ही मज़े के बने थे। तो चलिए अब मैं इसे ट्राई करती हूँ खाकर और आपको बताती हूँ कि ये वाकई कैसे बने। ये लड्डू हल्के हल्के से गर्म हैं और यहाँ मुझसे वेट नहीं हो रहा तो मैंने इसे पकड़ लिया है। और चलिए मैं खाकर बताती हूँ कि ये कैसा है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ को कि ये लड्डू ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत बड़े हलवाई ने बनाया है, जैसे हम कोई बहुत बड़ी स्वीट शॉप से इसे लेकर आए हों। वाकई में उस लड्डू में और इसमें कोई फ़र्क नहीं, बल्कि ये ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन इतने अच्छे लड्डू इतने कम टाइम में बना सकती है। गाइस आप भी इस रेसिपी से एक बार लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई रियली होप कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स व्हाई यू कैन नेवर मिस अ न्यू अपडेट्स। दैट्स इट फॉर ऑल टुडे।